नहीं, आजकल एक तो नया फैशन आया हुआ ना, वो जो लड़कों ने ऐसे करके दुपट्टा लिया होता है और ज्वेलरी पहनी होती है। लड़कों ने नहीं किया होता, बेसिकली दे आर जस्ट मॉडल्स, और उसके बाद जो डिजाइनर है उनको जो भी कहेगा, दुनिया में बहुत सारे अजीबो गरीब टेढ़े मेढ़े किस्म के डिजाइनर्स भी हैं जो सोचते हैं। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है? ओके, माय फेवरेट डिजाइनर हैज टू बी, दो लोग हैं फॉर टू डिफरेंट रीजंस, मुनीब नवाज आई थिंक इज my most favorite designer here in Pakistan, just because he's a rock star himself. He understands ke jo rock star hai usko chahiye kya. Unhone program bhi kiya hua na ek bahut pehle Jio ke upar. Ha, wo karte rehte hai, bilkul karte hai. So Muneeb jo hai, he is one of the most unusual, most unique and most glamorized designers. And then there is Humayun Alamgir. Humayun Alamgir is more sophisticated, kamal stitching, proper fitting and everything. Abhi kisko pehna hua hai? This is Muneeb Nawaz. Okay, yani ki phir Muneeb Nawaz wins. Ha, because Muneeb Nawaz he gets me. Ki acha yaar, ye ek rock star type aadmi hai, ye pop star nahi hai. There is a difference between being a rock star and a pop star and a playback singer. Acha, ye rock star aadmi hai to phir iska persona aisa hai. Woh kya gaya? Rock star se mujhe yaad hai. Acha hai. Kya baat kar rahe hain? Anguthiyan nahi pehni maine aaj, lekin chalo. Theek hai. To Muneeb and Humayun, and then of course I do like Amir Adnan, but he is more of a other guy. So that is not my cup of tea, but I mostly go with Muneeb and Humayun. अच्छा देखो, मैं भी extra काम भी करती हूँ, like मैं singing करती हूँ, मैं media के काम नहीं करी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे director हो, तुमने एक दो TVCs बहुत अच्छे direct किए हैं, ये और बात है कि तुम अपने आप को hero लेते हो, क्यों? कब मैंने खुद को hero लिया? यार, मूवी बनाने में ना बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ पे वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे लोग सपोर्टिंग नहीं है, वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे चैनल्स की आपस में नहीं बनती। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ नुमान, ये लॉबी सिस्टम है। देखो, जब मैंने देखा मूवीज को, सर्च किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मूवीज को फंड करती हैं, लेकिन वो लॉबी सिस्टम है, हम उसके अंदर नहीं आते। तुम तो फिर थोड़े से सोशल हो, मैं तो बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। सो फिर फायदा क्या, व्हाई डू वी हैव दिस लॉबीज? देखिए, आप आपका काम कब बेहतर होगा? जब अपने आर्ट के साथ ऑनेस्ट हो जाएंगे। इफ यू नॉट ऑनेस्ट विद योर ओन वर्क, यू विल नेवर प्रोग्रेस। यस, एक फिक्स फॉर्मूला चल रहा होता है, अच्छा यार ये ड्रामा चाहिए, ये चार लोगों को ले दो, इनके लिए बना दो, खत्म हो गया। बट डू वी प्रोग्रेस फ्रॉम देयर? नो, हम लोग वहीं पे रहते हैं, वही चलता रहता है, वही बनिए की तरह बनाए जाओ, बेचते जाओ, सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन चलता रहता है। बट इन ऑर्डर टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, एक इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए यू नीड टू हैव न्यू फेसेस, न्यू पीपल। बॉलीवुड में आप देखें, हर कुछ दो चार साल बाद नए चेहरे, नए स्टार्स, पुराने रहते हैं लेकिन नए लोगों की नई जगह बनती है। हॉलीवुड में तो लाइक एवरी मंथ दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आर्टिस्ट, न्यू फेसेस, सो दिस इज़ व्हाई दे ग्रो। अब क्या है कि एक ओल्ड स्कूल डायरेक्टर है, उसकी ओल्ड स्कूल अप्रोच है, बिकॉज आफ्टर सर्टन एज आपकी क्रिएटिविटी की सेंस खत्म हो जाती है। नॉन फैक्ट, यस, बिकॉज जमाना बदल जाता है। वर्किंग ऑन इट, ऑलमोस्ट डन विद द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, इक्विपमेंट फाइनल हो रहा है। ओह नो नो नो, एक्चुअली एक डिप्रेसिंग मूवी का स्टार्ट किया था, तुमने मुझे बताई थी स्टोरी, देन आई जस्ट क्विट इन बिटवीन, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि लोग यार 1500 खर्च करके जाए और उसके बाद जाके रो के वापस आए। बेहतर है घर में घर वालों से लड़ाई करके रो ले, उसके बाद मेरी फिल्म देख के खुश हो जाए। बेगम जरा आ जाओ, बैठ जाओ, मैंने रोना है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो एक तुम जो मूवी बनाओगे वो बहुत ही फन लविंग और हैपनिंग मूवी होगी। इट विल हैव एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा फन की तरफ चले जाए, इट बिकम्स मोर लाइक अ सिटकॉम, सो यू नीड टू बैलेंस इट एंड कीप इट लाइक ऑन द लाइटर नोट एंड हैव दिस। मतलब बात करने का तरीका क्या होता है, अगर आप किसी को डायरेक्टली बोलते हो ना यार ये काम करो ये अच्छा है, तो शायद वो आपकी बात ना सुने, लेकिन जब आप उसको करके दिखाओगे, सबलिमिनली उसके साथ खेलोगे, उसके दिमाग में सिर्फ बीज बोओगे, दैट्स बेटर। सो इट्स मोर लाइक अ लव ट्रायंगल। हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर इज, टेलीविजन की बात करें, फिल्म की बात करें, टेलीविजन में तो इज अहमद कामरान। Love that guy. Oh yes, did one episode and wow, what a director, man. He acted in a play? Kab? Like 2012-13, I don't know, I don't remember. So he was the most spot on director, what you call, ke aapke sath time nahi hai. How an actor, tum acting kaise karte ho, achhi karte ho? Depends.
किस तरह का रोल है. आई एम वेरी हैप्पी विद डूइंग कॉमिक रोल्स बिकॉज मुझे लगता है कि कॉमेडी कम्स नेचुरली टू मी. और सीरियस रोल्स में इट्स लाइक आई हैव अ वेरी सीरियस लाइफ सो आई मैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ. देन आई गो वेरी मेथड